पीडीएम में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। वज़ीर आज़म ने तहफ़ुज़ात दूर करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को वज़ीर आज़म हाउस बुला लिया। मुलाकात में दुबई मुज़ाकरात पर मौलाना फजलुर रहमान के गिले शिकवे दूर करने की कोशिश, दुबई में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान बातचीत और फैसलों पर एतमाद में लिया। सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। तर्जमान JUI ने कहा, दुबई में होने वाले मुज़ाकरात से सिर्फ JUI ही नहीं पूरी PTM बेखबर है। दुबई में होने वाले मुज़ाकरात पर एतमाद में ना लेने पर तहफ़ुज़ात हमारा हक है। असेंबलियों की मुद्दत बढ़ाना और इलेक्शन का अल्तवा सियासी नुकसान होगा। PTI हुकूमत के खात्मे के बाद फौरी इलेक्शन कराने के हामी थे। हमारा मौकिफ स्ट्रेट पावर से हुकूमत गिराना और इलेक्शन कराना था। अदम एतमाद का रास्ता हमारा नहीं आसिफ अली जरदारी का था। वक्त बताएगा कि अदम एतमाद के मौकिफ के पीछे कौन कौन सी ताकतें थीं। फजा मरा आलू देखने में आई, देखते हैं ऊंट किस तरफ बैठता है। PTI रानुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नई दिलचस्प सियासी सूरतेहाल जन्म ले रही नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ते जुदा होंगे। PDM इलेक्टोरल अलायंस नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फजलुर रहमान नून लीग से नाला, IMF से स्टैंड बाय मुआहदे को पाकिस्तान की खातिर सपोर्ट किया। तमाम सियासी जमातों को इस प्रोग्राम की ऑनरशिप लेनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस, वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज को रिलीफ मिल गया। सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुलजमान बरी। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने बर्रियत की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया। शहजाद अकबर का रिकॉर्ड कहाँ है? इन्हें कौन सा अफसर रिकॉर्ड फराहम करता रहा? जो बंदा मर गया आप इस पर सब कुछ डाल रहे हैं? अदालत के रिमार्क्स। वफाकी तहकीकती इदारे FIA ने 27 सवालात के जवाब अदालत में जमा करा दिए। सुलेमान शहबाज ने अदालती फैसले को इंसाफ की फतह करार देते हुए कहा, हमारे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए थे। अल्लाह का शुक्र है कि हकायक आवाम के सामने आ गए, हम भी सुरखरू हो गए। चेयरमैन PTI की 11 मुकदमात में 19 जुलाई तक जमानत में तौसी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI को कल दोबारा तलब कर लिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत थाना खन्ना और बाराकहू के एक मुकदमे की समाअत। जज ने रिमार्क्स दिए, क्या अदालत सिर्फ जमानत देने के लिए बैठी है? अदालत किसी को सपोर्ट नहीं करती। प्रोसिक्यूशन जामे तफ्तीश करे ताकि इंसाफ हो। मुल्जिम बेगुनाह है तो इंसाफ मिलना चाहिए। जज के रिमार्क्स। एडिशनल सेशन जज ने भी अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसी कर दी। शामिल तफ्तीश ना हुए, आइंदा समाअत पर फैसला सुना दूंगा फिर। जज के रिमार्क। पाकिस्तान में ज़रई इनकलाब, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का विजन है, जिससे आइंदा 5 बरस में 50 अरब डॉलर्स तक सरमायाकारी और 40 लाख मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। गजाई तहफ़ कौमी सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, मैं सिपा सालार और वज़ीर ख़जाना आपको नहीं बता सकते कि किस तरह हमने मिन्नतें और तरले करके कर्ज लिया। हम मज़ीद कर्ज नहीं ले सकते। कौमी सलामती का तकाजा है कि हम अपनी माशी सिक्योरिटी को मजबूत बनाएं और ज़रई माश को बहुत मजबूत बनाएं। पाकिस्तान में 1960 के बाद दूसरा बड़ा सब्ज इनकलाब लाया जा रहा है। किसान को मुनासिब कीमत मिलेगी तो वो फिर शौक से मेहनत करेगा। फसलों के जाली अद्वियात की वजह से किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर सिविल कोर्ट्स में जाली अद्वियात का फैसला नहीं होता तो फिर इसके खात्मे के लिए आर्मी एक्ट लागू करना चाहिए। हम सब पाकिस्तान को एक बार फिर सरसब्ज करने के लिए जमा हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तकरीब से खिताब में कहा, हम बासलाहियत कौम है, मुल्क की तरक्की में मिलकर हिस्सा डालने की जरूरत है। हम पाकिस्तान की माश तरक्की के लिए बहिसियत इदारा हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। आर्मी चीफ ने पुराने पाक का हवाला देते हुए कहा, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर मायूस होते हैं। मुसलमानों पर मुसीबत आती है तो वो सब्र करता है, खुशी मिलती है तो शुक्र अदा करता है। पाकिस्तान ने तरक्की की मनाजिल तय करनी है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। मुसलमानों के लिए नाउमीदी कुफर है। मुल्क को दहशतगर्दी का शिकार करते हो और कहते हो 9 मई से किसको फायदा हुआ? मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई का फायदा मुल्क दुश्मन अनासिर को हुआ। फॉरेन एजेंट के मुताबिक उनकी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। इस जमात का कोई तर्जमान नहीं, उनका तर्जमान ट्विटर हैंडल है। कोई भी शख्स अपना चेहरा इस फितने और फसादी के लिए सामने लाने को तैयार नहीं।
फ्रॉड, साजिशी, फितना, फसादी टोला मुल्क और आवाम को लूट कर चला गया, आवाम की रोजी रोटी तबाह की, मईशत तबाह की, ये शख्स झूठा और जहनी मरीज है, इसका मर्ज ला इलाज है। फितने के कहने पर चोर कहने वाले लोग आज नवाज शरीफ की अच्छाई की गवाहियां दे रहे हैं। मकबूल लीडर को फॉरेन एजेंट कहने वाले बताएं इनका भगोड़ा, कायद लंदन से कब लौट रहा है। तर्जुमा तहरीक इंसाफ का मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल, करप्ट और झूठे साबित होने के बाद ये ग्रुप बिनाई और अकल से भी महरूम हो गया। चेयरमैन पीटीआई की दिन ब दिन बढ़ती मकबूलियत ने 13 जमाती ग्रुप को हवास बाख्ता कर दिया। अपने जाति मुफादात की खातिर फौज और अदलिया के खिलाफ फरफात बकने वाले किस मुंह से इदारों की हुरमत की बात करते हैं। शरीफ माफिया की करप्शन की दास्तानें दुनिया भर में मशहूर हैं। 50 रुपए के स्टाम्प पर फरार होने वाला मुजरिमों के ग्रोह का बुजदिल लीडर आज अपने भाई की हुकूमत में भी वापस आने से खौफजदा। चौधरी परवेज इलाही बख्तरबंद गाड़ियों में लाहौर हाईकोर्ट में पेश, जेल में बी क्लास देने की दरख्वास्त पर समाअत, मुझे शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीटीआई की तरह जमानत दे दें। परवेज इलाही के इस्तदा पर अदालत में कहकहे, आप कब से जेल में हैं, अदालत का इस्तफसार। साबिक वजीर आला पंजाब ने कहा कि 1.5 माह से हूँ वहाँ, मसाइल के सिवा कुछ नहीं, हर तरफ कीड़े हैं, कमरे में ही वॉशरूम है, मेरे पाँव फूल गए हैं, एसी कहाँ है, मेरे कमरे से पंखा भी नहीं ले गए हैं। जबकि सरकारी वकील ने कहा कि कवानीन के तहत सारी सहूलतें दी गई हैं, जिस पर चौधरी परवेज इलाही ने जवाब दिया कि सिर्फ तस्वीर खींचने के लिए चीज़ें लाते हैं और वापस ले जाते हैं। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और आईजी जेल खानाजात को कल तलब कर लिया। एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग केस, परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत, मुकदमे का रिकॉर्ड अदालत में पेश ना करने पर एफआईए तफ्तीशी अफसर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डायरेक्टर एफआईए को तफ्तीशी अफसर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म, समाअत कल तक मुलतवी। चौधरी शुजात हुसैन की परवेज इलाही से जेल में मुलाकात, मुलाकात 1 घंटा जारी रही। चौधरी परवेज इलाही की अदालत पेशी से कबल चौधरी शुजात हुसैन ने मुलाकात की। जराए के मुताबिक चौधरी शुजात ने पीटीआई छोड़ने का फिर से मशवरा दे दिया। तर्जुमान ने चौधरी शुजात परवेज इलाही की मुलाकात की तरदीद की है। भारत ने दरियाए रावी और चनाब के बाद दरियाए सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। पीटीएमए के मुताबिक भारत ने 70,614 क्यूसिक पानी दरियाए सतलुज में छोड़ा है। आज रात तक पानी जिला कसूर गंडा सिंह के मुकाम से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होगा। सतलुज में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब, सैलाबी रेला शक्करगढ़ के सरहदी गाँव में दाखिल, फसलें जेरियाब, धान की काश्त में मसरूफ अफराद फंस गए, 300 से जायद मर्द, खवातीन और बच्चे रेस्क्यू कर लिए गए। सैलाबी रेले ने नैनाकोट से शाहदरा लाहौर का रुख कर लिया। दरिया रावी, नाला बई और दीगर मावन नदी नालों में तुगयानी, दरिया रावी और दरिया चनाब से मुलहिका अजला में इंतजामिया अलर्ट, दरिया चनाब, खानकी और कादराबाद के मकाम पर 1.5 लाख से 2 लाख क्यूसिक पानी का बहाव, सूरत हाल कंट्रोल में है और तमाम दरियाओं में पानी मामूल के मुताबिक है। निगरान वजीर आला पंजाब। भारत में मानसून बारिशों ने तबाही बर्पा कर दी, 22 अफराद हलाक। रियासत हिमाचल प्रदेश में तूफानी बारिशों के बाद दरियाए ब्यास बिफर गया, पानी किनारों से बाहर निकलकर तेज रफ्तार सैलाबी रेले की शक्ल इख्तियार कर गया, आबादी से गुजरा जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा, लोगों में खौफ और हरास की लहर दौड़ गई। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी 24 घंटों में बारिश के सबब 15 इमारतें गिर गयी। आईएमएफ से मुआहदा भी डॉलर को लगाम ना डाल सका, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज डॉलर की परवाज, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1.90 रुपए का इजाफा, इंटरबैंक में डॉलर 279.80 रुपए पर बंद हुआ। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी रेटिंग मंथली CCC से CCC कर दी गयी, रेटिंग में बेहतरी आनी। IMF मुआहदे के सबब पाकिस्तान की फंडिंग की राह हमवार हुई। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी पर इज़हार तशक्कुर, कहा ये माशी इस्तेहकाम के सफर में अच्छी खबर है। रेटिंग बेहतर होने पर वज़ीर ख़ज़ाना ने कौम इत्तेहादियों मुआशी टीम और वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान IMF को बैरूनी फाइनेंसिंग का प्लान भेजने के बाद
एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का मुंतजर। वेबसाइट पर पाकिस्तान से मुतालिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल ताहाल मौजूद नहीं। IMF हुकाम के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को ही होगा। वजारत खजाना के मुताबिक IMF मुआहदे के बाद दोस्त ममालिक से $8 अरब फाइनेंसिंग का प्लान पहले ही भिजवाया जा चुका है। बोर्ड की मंजूरी के 3 से 4 रोज में $1 अरब की पहली किस्त मौसूल हो जाएगी। IMF के मुतालबे पर हुकूमत की आवाम को नई डोज। बिजली की कीमत में 1 रुपए 24 पैसे फी यूनिट इजाफा। नोटिफिकेशन जारी हो चुका। इजाफे के इतलाक जुलाई अगस्त सितंबर के बिलों में होगा। बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फीन पर 46 अरब 76 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफा से माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। मुल्क में बिजली का बहरान बरकरार। शहरियों को शदीद गर्मी में 10 से 12 घंटे की तवील लोड शेडिंग का सामना। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 6,232 मेगावाट है। मजमुई पैदावार 20,768 मेगावाट, तलब 27,000 मेगावाट तक पहुंच गई। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला। ओम चौधरी की जानिब से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की दरख्वास्त पर एतराज आज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। नौ मई के वाकयात का आर्किटेक्ट और मंसूबा साज सिर्फ चेयरमैन PTI था। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा अल्लाह ने इसको नाकाम बनाया वरना इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कौमी असम्बली की तहलील और इस्तीफे और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील की नाकामी के बाद 9 मई सारी चालें मात हो गईं। चेयरमैन PTI बताएं, ट्रक पर खड़ा आपका भांजा और कोर कमांडर के घर बाहर या आपकी अजीज खवातीन वहाँ आइसक्रीम खाने गई थी। आपकी पार्टी की 12 खवातीन से हिरासत हैं, सर पे बाल्टी पहनकर अदालतों से थूक के हिसाब से जमानतें कराते हैं। जमान पाक ऑपरेशन की तहकीकात के लिए कायम GIT कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने GIT के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। फवाद चौधरी, हमाद अजहर, मुस्तरद जमशेद चीमा ने GIT की तश्कील को चैलेंज किया। फैसले में कहा, हुकूमत ने GIT कानून के मुताबिक तश्कील दी। दरख्वास्त गुजार इंफरादी तौर पर ट्रायल कोर्ट से रजू कर सकता है। आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम। शेख रशीद पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त दायर है, फैसला आना बाकी है। समात मुलतवी की जाए, वकील मुलजिम की इस्तदा। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने केस की समात बगैर कार्रवाई 11 सितंबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI की हमशीरा डॉक्टर उस्मा और शोहर अहमद मजीद की अबूरी जमानत में 1 माह की तौसी। एंटी करप्शन अदालत DI खान ने फैसला सुनाया। केस की समाअत 10 अगस्त तक मुलतवी। नैब का साबिक वजीर आला उस्मान बुजदार की गिरफ्तारी का फैसला। नैब लाहौर की साबिक वजीर आला की गिरफ्तारी के लिए चेयरमैन नैब से वारंट जारी करने की इस्तदा। उस्मान बुजदार पर नए ऑर्डिनेंस का इतलाक करने का फैसला। नए नैब ऑर्डिनेंस के तहत साबिक वजीर आला को दौरान इंक्वायरी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उस्मान बुजदार और उनके खानदान पर 9 अरब से ज्यादा असासे बनाने का केस जेरे तफ्तीश है। उमर सरफराज चीमा सेंटर एजाज चौधरी की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी जा चुकी। 4 मुकदमात में यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। GHQ हमला केस में शहरयार आफीदी के दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। जुडिशल रिमांड में 24 जुलाई तक तौसी। मुलजिम को डियाला जेल से कड़े पहरे में अदालत लाया गया। पिशावर की अदालत ने शहरयार आफीदी इरफान सलीम के खिलाफ मुकदमात इंक्वायरी की तफसीलात तलब कर ली। तरक्याती स्कीमों में गबन के केस में अली मोहम्मद खान की जमानत में 13 जुलाई तक तौसी। इस्तदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में शामिम कुरैशी के खिलाफ 2 मुकदमात की समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर के खिलाफ LNG रेफरेंस का महफूज फैसला फिर मौखर। फैसला सुनाने के लिए नई तारीख मुकर्रर। फैसला मुकम्मल तहरीर नहीं किया जा सका, मजीद वक्त दरकार है। अदालत के रिमार्क्स, LNG रेफरेंस का महफूज फैसला 18 जुलाई को सुनाया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने सहाफी के सवाल पर कहा, बाल्टी घर रह गई है।
शहबाज गिल के ट्वीट पर फवाद चौधरी की एहलिया सीख पाक घरी घरी सुना दी। शहबाज गिल ने ट्वीट किया, फवाद चौधरी समेत 17 अफराद को पीटीआई से निकाल दिया गया, जिस पर हिबा फवाद ने शहबाज गिल को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, खुद तो फरार हो और हमें बातें करते हो, पहले पार्टी में अपने ओहदे की वजाहत करो। हिबा ने शहबाज गिल से मुतालिक एक और ट्वीट में लिखा कि वापस आए, मुकाबला करें। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इंतखाबात के साथ करप्ट प्रैक्टिस को रोकना भी आईनी फरीजा है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत का तोशाखाना केस के काबिले समाअत होने का तफसीली फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अथॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल करने का मतलब चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ शिकायत दायर करने की डायरेक्शन है। एहतसाब से इस्तिस्ना किसी फर्द को हासिल नहीं, बिलखसूस जब फ्रॉड की बात हो। इलेक्शन कमीशन का 2022 का फैसला और अथॉरिटी लेटर शिकायत दायर करने का सबूत है। स्पीकर कौमी असेंबली ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा, जिसके 22 और मुताबिक सेक्शन 168 के तहत चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए। रेफरेंस के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में झूठी स्टेटमेंट जमा करवाई। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल, ईवीएम का इस्तेमाल मुमकिन नहीं, आई वोटिंग की सहूलत भी फराहम नहीं की जा सकती। इंतखाबी ग्रुपों की रजिस्ट्रेशन 17 जुलाई को मुकम्मल हो जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मामले पर ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने कहा, इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के नकाद और शेड्यूल देने के लिए तैयार है। वजारत दाखिला 12 जुलाई तक मखसूस नशस्तों की तादाद का नोटिफिकेशन दे। वजारत दाखिला से उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी खर्चात की हद के रूल्स मुहैया करने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने कहा, पंजाब हुकूमत को लिखा जाए कि ईवीएम और आई वोटिंग से मुतलिक तरामीम को मद्देनजर रखा जाए। फौरी इलेक्शन के लिए पंजाब हुकूमत लोकल गवर्नमेंट एक्ट और रूल्स में जरूरी तरामीम करे। मुलाजमीन हेल्थ कार्ड पर इलाज करा सकेंगे, पंजाब की निगरान हुकूमत ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों के एमरजेंसी में आवाम के मुफ्त इलाज की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा, सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में घरेलू मुलाजमीन के इलाज के अखराजात हुकूमत पंजाब अदा करेगी। हेल्थ कार्ड पर इजाफी अखराजात भी हुकूमत देगी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल साहिवाल की नई इमारत में जदीद कार्डियोलॉजी ब्लॉक बनाने का फैसला। सो लोग मुफ्त हज पर गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम ने कहा, ग्रेड 4 से 10, 12 ग्रेड तक के लोगों का बतौर खुदाम जाना तो सही है, ग्रेड 17 से 22 के लोग कौन से कानून के तहत मुफ्त हज के लिए जा सकते हैं? हज हो गया तो हो गया। एडिशनल सेक्रेटरी अभी तक वहाँ पर है। जो वीडियोज आई है, प्राइवेट और सरकारी हज वाले सब रो रहे, वहाँ उनको रिहाइश और खाना सही नहीं दिया गया, लोग बहुत बीमार है, कौन महंगी दवाइयाँ अफोर्ड कर सकता है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, मुर्तजा वहाब ज्याला है, मुकाबला करना जानता है, हमने कौन सा किसी के मैंडेट पर डाका डाला। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची शहर को खूबसूरत बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। शाहराह फैसल पर हालिया बारिशों से पानी खड़ा नजर नहीं आया, नालों की सफाई का काम जारी है, मनफी प्रोपागेंडा ना फैलाया जाए, तरक्याती कामों के हवाले से कोई गफलत नहीं बरती। मुर्तजा वहाब तो सिर्फ एक चेहरा है, पीछे काम करने वाले तो बडेरे हैं। हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, जगह जगह गंदगी का अंबार, मरीज यहाँ शिफायाबी के बजाय बीमारी का जरिया बन रहे। मुर्तजा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर रहे, आज मेयर हैं, लेकिन काम तो करते नहीं। हमारे नुमाइंदों के पास इख्तियार नहीं, मगर काम करने की कोशिश करते रहेंगे। कराची पाकिस्तान का बेहतरीन शहर है, तभी हाफिज साहब ने यहाँ नकल मकानी की। शेरवानी ना पहनने के गम में उनकी जहनी हालत काबिले रहम है। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला का हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहा तासुब का चश्मा उतारें तो हाफिज नईम को कराची में तरक्की नजर आएगी। कराची में बैरून मुल्क से मरीज इलाज के लिए आते हैं, ये दावा नहीं हकीकत है। हाफिज साहब चाहें तो इन्हें भी दिमाग के इलाज की सहूलत फराहम कर सकते हैं। कंधकोट में मुगवी पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन, दौरान ऑपरेशन 3 लड़कियों को बाजियाब करवा लिया गया। तीनों लड़कियों को 1.5 माह कबल शादी की तकरीब के बहाने कराची से लाया गया था। बाजियाब होने वाली तीनों लड़कियां तुगयानी गैंग के पास थी।
जेहलम जीटी रोड सिलेंडर धमाके से निजी होटल की इमारत गिरने का मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक कैसर नामी शख्स ने इमारत की बेसमेंट में एलपीजी गैस की दुकान बना रखी थी। धमाका गैर कानूनी रिफिलिंग के नतीजे में हुआ। धमाके के नतीजे में सिकंदर होटल की पूरी इमारत जमीन बोस हो गई। वाकई में सिलेंडर धमाके के मुकदमे के मुलजिम कैसर महमूद समेत 7 अफराद जान बहक हो गए थे। पाकिस्तानी नियाद बरतानवी सहाफी साइमा मोहसिन ने सीएनएन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। अमरीकी न्यूज चैनल पर नस्ली इम्तियाज बरतने गैर मुनसिफाना बर्खास्तगी का इल्जाम आए। साइमा मोहसिन को सीएनएन ने बरतरफ किया। साइमा मोहसिन सीएनएन के लिए सहाफती जिम्मेदारियां निभाते हुए 2014 में इसराइल में रिपोर्टिंग के दौरान शदीद जख्मी होकर चलने फिरने से मासूम हो गई थी। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। मारूफ शायर अदीब और अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी की आज 70वीं बरसी। उर्दू अदब के लिए खिदमात पर तमगा हुस्ने कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज से नवाजा गया।